नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। बरसात का मौसम आते ही बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है और ठीक यही कमाई का समय होता है चिकित्सकों का। हालांकि इस समय पूरे प्रदेश में ही आयुष्मान कार्ड के नाम पर जमकर काला कारोबार चल रहा है। कुकुर मुत्ते की तरह खुले नर्सिंग होम जमकर इसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपनी तिजोरी भर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि सिर्फ आयुष्मान कार्ड नर्सिंग होम संचालकों के साथ साथ सफेद पोश धारकों की कमाई का जरिया बनकर रह गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रीवा जिले में जिला चिकित्सालय गांधी मेमोरियल संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी संचालित है, लेकिन आज भी मरीज निजी अस्पतालों के साथ साथ प्रदेश से बाहर जैसे नागपुर, मुंबई, जबलपुर, बनारस, भोपाल जाने के लिए मजबूर है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ के चिकित्सक सिर्फ अपने प्रैक्टिस में व्यस्त हैं और अपनी तिजोरी भरने के लिए कमीशनबाजी से लेकर आयुष्मान कार्ड तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों का जायजा लेने जब हमारी टीम संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पहुंची तो वहां की हालत देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां बढ़ती बीमारी के बावजूद बेड खाली पड़े हुए हैं। जो मरीज मजबूरी में यहां पड़े हैं उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने वाला कोई नहीं है। मरीजों ने बताया कि महीनों से वो यहाँ पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स आते हैं और देखकर चले जाते हैं, विभागाध्यक्ष को तो कभी देखा ही नहीं। आपको बता दें कि मेडिसिन विभाग के एचओडी मनोज इंदुलकर का इन दिनों जमकर सुबह से लेकर शाम तक अपना कारोबार चल रहा है। अस्पताल में ना बैठने के चलते सैकड़ों की संख्या में मरीज इनके बंगले में दिखाने के लिए लाइन लगाकर बैठते हैं, जहां डॉक्टर मनोज इंदुलकर मोटी फीस लेकर इनका खून चूस रहे हैं। वहीं इनके विभाग में मरीजों को कोई देखने वाला नहीं है। बताया तो ये भी जाता है कि सिर्फ उन मरीजों को मेडिसिन विभाग में भर्ती किया जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते या फिर कोई पूछ परख करने वाले नहीं होते। यहाँ मौजूद मरीजों का हाल बेहाल है, जो महीनों से पड़े हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। आइए देखते हैं अस्पताल के मेडिसिन विभाग का हाल, जहां इन दिनों मौसमी बीमारी के बावजूद मरीज नहीं दिख रहे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर मनोज इंदुलकर के बंगले में लगने वाला मेला, जहां मरीजों का खून चूसा जा रहा है। अकेले भरती है क्या? देखिए सब ऐसे ही पड़े हैं। ये कहाँ से आई हैं? कहाँ से लाई हैं मरीज को? कब से पड़ी हैं यहाँ? 15-16 दिन से। रहने दीजिए। कोई डॉक्टर आए बड़े वाले? क्या बीमारी है? तो कोई डॉक्टर देखने आते हैं बड़े वाले? बड़े वाले हमारे जो खलाबिया बात नहीं आने। हाँ, दीदी है, बस हो गया। और सूजी लगा देते हैं, नर्स आके सूजी लगा देते हैं फुर्सत। हाँ। बड़े डॉक्टर कोई नहीं आते? खाना पूर्ति कर लिए, फुर्सत पड़े हैं बस लिए। क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं? हम सोचते हैं बहुत दिन हो गए, तेरे बच्चे छोड़ तो छुट्टी आ जाएगी। कभी नहीं दे रहे छुट्टी? यहाँ सब वार्ड खाली हैं। भर्ती हैं आप यहाँ कब से? आज छुट्टी होने वाले हैं। क्या बीमारी हो गई थी? पेट में दर्द। ये इंदुलकर साहब आते हैं, बड़े डॉक्टर आते हैं यहाँ देखने? कैसे जूनियर पर पीछे बदले लाते हैं। अच्छा अच्छा उनको दिखाया है, बाकी जूनियर देखते होंगे सब। आज छुट्टी होने वाली है शायद, जो पेट का है ना, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। कब से भर्ती हो?
हैं ये सब उल्टा लगा रहे हो ऑक्सीजन, कोई नर्स नहीं लगाई? ये कैसे टूटा है? कहाँ से आए हैं? कोई बड़े डॉक्टर देखने नहीं आए? समझ नहीं आ रहा उसके ऑक्सीजन ऑक्सीजन किसको लिए भैया? भाई हैं यहाँ। अच्छा, कब से भर्ती हैं? आज 7 रोज। क्या हो गया इनका? तबीयत ही नहीं खुला, बुखार उखार पता नहीं, खुलना उलना पता नहीं था है। कोई बड़े डॉक्टर आए? बड़े डॉक्टर हम चिंता ही नहीं आए, बस ऐसे ही पड़े हैं। आवा था डॉक्टर पर बड़े डॉक्टर हम नहीं चिन पाए थे, लंगर के लिए नहीं आवा था। क्या दिक्कत है इनको? इनके जब पाटर छूट जाता है ना तो बुखार हो जाती है और झोंक नहीं खुल रही है, उनका जिंदगी नहीं ठहर के नहीं रहा, बोलते नहीं। 7 दिन से भर्ती किए, कुछ बोले डॉक्टर कहीं बाहर ले जाओ कि यहाँ दिखाओ? बस ऐसे पड़े हैं लिए, बस दवा कर देता बुखार उतर जाती। रात में 10 बजे तक डॉक्टर मनोज इंदुलकर के घर में मेला लगता है, लेकिन अस्पताल में मरीज नहीं है। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि जब चिकित्सक अस्पताल में मिलते ही नहीं हैं, तो कौन अपनी जान के साथ खिलवाड़ करेगा। मजबूरी में लोग 500 रुपए की फीस देकर डॉक्टर को दिखाते हैं और बाहर जाँच और दवाई लेने के लिए मजबूर है। आइए सुनते हैं समाज सेवी अजय खरे को, कि उन्होंने इस समय जिले में चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था पर किस तरह से सवाल खड़े किए हैं, जिस पर रीवा कमिश्नर को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत की बात कही है। अस्पताल के जितने वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सब अभी अपने घरों में सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते जो मरीज है वो पड़े रहते हैं जूनियर डॉक्टरों के भरोसे है, या तो फिर मजबूर होते हैं कि नागपुर और बाहर जाए। क्या मानते हैं किस तरह से व्यवस्था है और क्या व्यवस्था में सुधार होने की जरूरत है? इनको तो अस्पताल में समय देना चाहिए जितने समय, हालांकि सरकार ने इनके लिए नियम बना रखा है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस, जबकि औरों को ये अलाउ नहीं है किसी कर्मचारी को कि वो दूसरा काम भी कर सके या उससे आय उपार्जन कर सके। लेकिन डॉक्टरों को जो शुरू से सुविधाएं दे रखी गई हैं और ये कोई उसका हिसाब ही नहीं रखते हैं, जैसे किसने भी फीस लेते हैं दिन भर में 50,000-1,00,000, तो ये कभी 100 भी नहीं करते हैं, और इनका लालच बढ़ता जाता है और मरीजों को परेशानी होती है। जितनी लालच बढ़ेगा उतना कम समय अस्पताल में ये मरीजों के लिए देंगे, तो और जूनियर डॉक्टरों के हवाले रहता है, उनको कोई अनुभव होता नहीं है, तो निश्चित है कि इसके वजह से बहुत सारे दिक्कतें होती हैं पेशेंट को, और जो मौतें भी होती हैं उसकी जिम्मेदारी भी इन पर बनती है, क्योंकि जब वरिष्ठ से चिकित्सक की देख रेख में सीधे सीधे काम नहीं हो रहा है तो वो दिक्कतें तो आएंगी। तो ये कॉलोनी में मेला लगता है सुबह से लेकर शाम तक, अगर डॉक्टर यही अस्पताल में बैठ कर देखे तो निश्चित तौर पर जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनका भी भला हो, मरीजों को फीस भी ना देनी पड़े और सुविधा भी मिले, लेकिन अपने चंद रुपए के लाभ के लिए ये मरीजों के जान सब खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये लंबे समय से ये कोई आज की बात नहीं है, ये डॉक्टरों का एक छूट जो मिल रखी है प्राइवेट प्रैक्टिस की, और यदि प्राइवेट प्रैक्टिस जिस दिन बंद हो जाएगी तो ये सरकार गिरा देंगे, इतने ताकतवर लोग हैं। तो दिक्कत यह है कि सरकार भी दबाव में रहती है और ज़्यादातर लोग इसी वजह से मनमानी करते हैं, कभी कोई नौटंकी हो जाती है, कोई कलेक्टर जाता है थोड़ा डांट फटकार लगा देता है, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कभी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ना इनका लाइसेंस बंद होता है कि इनका छीन लिया जाए तो उनको पता चले, यदि कभी ये इस्तीफा भी दे देंगे फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलाते रहेंगे, और सरकारी सुविधाओं का पूरा उपभोग करते हैं, जैसे वहाँ आवासीय सुविधा है, जो भी TADA हैं और तरह की सुविधाएँ हैं सारी सुविधाएँ मिलती हैं, तो इनको उस ढंग की कोई दिक्कत नहीं है। और मरीजों को बेहद परेशानी होती है कि जो मरीज वहाँ अस्पताल में मुफ्त में अपनी पर्ची कटाता है और जाके दिखाता है, तो वो जब उनके घर में जाता है तो 400-500 रुपए से नीचे फीस नहीं है, और तमाम तरह की जांचें लिखी जाती हैं उसमें हजारों रुपए का खर्चा बैठ जाता है, 5,000-10,000 कौन सी जाँच है, लोगों को तो लगता है कि हो सकता है ये, और डॉक्टर को तो अधिकार है कि उनको लिखने का शक करने का कि भाई
ये आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो 20 तरह के, लेकिन वही काम अस्पताल में जांच हो जाएगी। कमीशन इनका बहुत ज़्यादा है, बहुत से सभी, चाहे वो एक्सरे वाले का हो, चाहे ECG का हो, चाहे इको का हो, चाहे दूसरी चीज़ों का हो, सब जगह कमीशन जो बना है 5 लाख का, तो 5 लाख का इलाज किसी को मिलता थोड़ी है। इसमें घोटाला है, ये महा घोटाला है, राष्ट्रीय घोटाला है, अरबों खरबों का घोटाला है, और इसमें भी बड़ी कमीशन खोरी है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।